बा बरकत बा फैज़ ई ख़ानदान आलिया कादरिया फाजलिया बा बरकत बा फैज़ हमेशा बरकरार। दोस्तों जिस तरह के थोनू मालूम आ कि हजूर सैयद पीर फैज़ मुहिद्दीन शाह साहब आपका सालाना ख़त्म पाक उर्स मुबारक जो है उसकी तकरीबात शुरू होने वाली वा सुबह एक इंशाल्लाह 21 तारीख आ 21 फरवरी आपका सालाना उर्स हर साल की तरह जड़ा वा मुनक़द होएगा। उसकी तकरीबात जी शुरू हो चुकी वा दोस्त अहबाब जड़े आए हुए इंतजामिया वाले अपना इंतजाम जड़े आ कर रहे हैं तो यह आ कि प्रोग्राम इंशाल्लाह जड़ा ये है सुबह नूं यह आ कि लाइव जड़ा वा टेलीकास्ट किया जाएगा कि दोस्त अहबाब जितने भी अगर इस प्रोग्राम नूं देखना चाहते हैं बा बरकत बा फैज़ कोट शरीफ चैनल जड़ा यूट्यूब दा उहदे उपर देख सकते हैं। उस तो अलावा फिर फेसबुक के उत्ते जड़ा पेज आ दरबार शरीफ का ऑफिशियल जड़ा पेज आ बा बरकत बा फैज़ ऑफिशियल पेज आ इहदे उपर भी दोस्त जड़े आ ये प्रोग्राम देख सकते हैं। कल तकरीबन एक 1:30 बजे 2 बजे प्रोग्राम शुरू होएगा इंशाल्लाह फिर लाइव चलेगा। तो ये आ कि जिहड़े दोस्त इस नूं देखना चाहते आ कि इस नूं सबसक्राइब भी कर सकते आ ये दोनों चैनल जिहड़े यूट्यूब ते भी और फेसबुक के उपर भी और उस तो बाद ये आ कि बैल आईकॉन जिहड़ा वा उहनूं प्रेस कर लैण ताकि नोटिफिकेशन उहनां नूं मिलदे रहण कि जिस वेले भी प्रोग्राम शुरू होएगा उहनां नूं फौरी तौर पर उहदा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फिर वह अपना यह आ कि प्रोग्राम उर्स का जिहड़ा वा जिथे जिथे भी दोस्त अहबाब है वह इस नूं देख सकते आ ताकि उन्होंने फिर जिहड़ा वा प्रोग्राम जिहड़ा वा कि वह देखा जा सकता वा कि यूट्यूब दे उत्ते और फेसबुक दे उत्ते जिहड़ा वा ये जिहड़ा वा प्रोग्राम देखा जा सकता। लेकिन इहदा टाइमिंग जिहड़ी होएगी वह तकरीबन 1-2 बजे शुरू होएगा। वह फिर रात भी प्रोग्राम कवाली का प्रोग्राम है पहलो खत्मे पाक का प्रोग्राम होएगा उस तो बाद फिर कवाली का प्रोग्राम होएगा कवाली तो बाद फिर ये आ कि सुबह फिर कवाली का प्रोग्राम चलेगा मुसलसल उस तो बाद तकरीबन दोपहर तक प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। लेकिन उस विच ये होएगा कि जिहड़े लाइव दिखा रहे हैं प्रोग्राम चलाउणगे क्योंकि प्रोग्राम जिहड़े आ थोड़े थोड़े वक्फे दे नाल होणगे क्योंकि पहलों खत्मे पाक होएगा उस तो बाद खत्म शरीफ तो बाद फिर ये आ कि न्याज का जिहड़ा वा लंगर का प्रोग्राम होएगा दोस्तों वास्ते फिर वो विच वक्फा आ जाएगा उस तो बाद फिर कवाली शुरू होएगी इंशाल्लाह मुसलसल जिहड़ा प्रोग्राम सुबह तक करो चलेगा क्योंकि इस तरह प्रोग्राम रुक रुक के चलेगा। अगर तुसी इनू सबसक्राइब या इनू ये आके कीता होएगा बैल आईकॉन नोटिफिकेशन दा थोनू वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा फिर तुसी ये आके जदों भी बंद हो के प्रोग्राम वक्फा आएगा उस तो बाद दोबारा ये लाइव चलेगा तुसी ये आके नोटिफिकेशन आएगा तुसी इनू देख सकते हो ना कि इस करके ये प्रोग्राम जिहड़ा भी है इंशाल्लाह कोशिश है इन्हां दी बच्चियां दी कि इस नूं पूरे प्रोग्राम नूं लाइव चलाइए तुसी इहनूं देखो देख के अगर इहनां को कोई गलती हुंदी आ या इहनां को कोई है मसला तो तुसी इहनां नूं या कि लाइव जिहड़े आ कमेंट्स भी कर सकदे आ चैट करके इहनां नूं दस सकदे हो कि अगर किसी वेले कोई आवाज़ का प्रॉब्लम आ रहा या तस्वीर का प्रॉब्लम आ रहा या कुछ भी आ रहा कि तुसी मशवरा इहनां नूं दे सकदे हो नाल ताकि ये उस नूं फिर ये आ कि बेहतर करन दी कोशिश करनगे। बाकी खत्म शरीफ जिस तरह अगे भी बार बार दस्या गया या पता भी दोस्तों ये 21 फरवरी हजूर सैयद फैज़ मुहिद्दीन शाह साहब साढ़े पेशवा आपका यह वस यौमे वसाल आ 21 और 22 फरवरी और 21 सितंबर नूं जिहड़ा प्रोग्राम उर्स दा हुंदा वा वह सालाना उर्स दा प्रोग्राम हुंदा 21, 22, 23 नूं ते 21, 22, 23 सितंबर नूं जिहड़ा प्रोग्राम बड़े उर्स दा हुंदा वा ये जिहड़ा वा एक रात दा प्रोग्राम होएगा। जिहड़े दोस्त अहबाब इहदे विच प्रोग्राम दे विच आ रहे या उर्स दे उत्ते कल नूं आउणा चाह रहे आ कोशिश करन कि अपनी अच्छे तरीके दे नाल तैयारी करके आउण ताकि अच्छे तरीके नाल बैठ के वह आ कि प्रोग्राम दे विच शामिल हो सकन जिहड़ी इंतजामिया उहदे नाल तावन करन दोस्तां दे नाल प्यार मुहब्बत दे नाल इत्थे आ के पेश आउण और कोशिश करन कि जिहड़ा वक्त थोड़ा जिहा वक्त होना एक रात दा प्रोग्राम कोशिश करन कि यह वक्त जिहड़ा वा वह इत्थे महफल दे अंदर गुजारन ना कि बाहर अंदर ये आ कि खाण पीण दे विच या वो तुरन फिरन दे विच गुजारन क्योंकि इत्थे इंतजाम सारे है दोस्तों वास्ते बैठण दा इंतजाम है न्याज दा है सारा है महफल खाना है जिथे कवाली दा प्रोग्राम माशाल्लाह तुसीं देख रहे हो कि काफ़ी बड़ा इत्थे दोस्तों वास्ते इंतजाम सारा है। तो दोस्तों अगे यही आ कि जितने भी दोस्त आउण उर्स दे विच शामिल होण कल
कोशिश करन के ज़्यादा तो ज़्यादा वक्त जिहड़ा महफल दे विच गुजारन और गुजार के जो फिर इत्थे पैगाम कवाल जिहड़े आ उह पैगाम दिंदे आ उस पैगाम नूं इह आ कि अपने अंदर जज़ब करन उहदे उत्ते गौर करन और उहदे मुताबक चलन क्योंकि कौल जिहड़ी कवाली जिहड़ी आ कि की चीज़ आ कि बजुर्गां ने दीन दे कौल ते फिर बजुर्गां ने दीन दे कौल जिहड़े आ इही साडे वास्ते मसले रहा कि असी इन्हां दे मुताबक अपनी जिंदगी गुजारनी क्योंकि बजुर्गां ने दीन ने जिस तरह अपना वक्त गुजारिया जो उन्होंने मुशाहदात सी जो उन्होंने देखिया या जो उन्होंने अमल किया जिस रस्ते दे उत्ते चले उन्होंने वो साडे वास्ते रस्ता जिहड़ा वा वो सानू दस्या कि भी असी इस रस्ते दे उत्ते चले हाँ तुसी भी कोशिश करो उस रस्ते दे उत्ते चलिए ते फिर इस करके वो कौल जिहड़े हुंदे आ कवाली दे विच वो बयान किए जाते हैं कि जिस तरह बाबा फरीद साहब का वा बा बुले शाह साहब का वा या ख्वाजा मीनुद्दीन चिश्ती या हजूर गौस पाक दे या होर मुख्तलिफ बजुर्गों ने दीन दे जिहड़े अकवाल आ वो कवाल हजरात जिहड़े आ वो इत्थे बयान करदे आ ते फिर अपना काम आ कि आपां उहनां नूं उत्ते गौर करिए गौर करके उहनां नूं सुणीए सुण के फिर अपनी जिंदगी उहनां दे मुताबक जिहड़ी अपनी बसर करिए और हमेशा उस तरीके दे नाल चलण दी कोशिश करिए क्योंकि सिराते मुस्तकीम जिहड़ा वा हर इंसान लभदा फिर बजुर्गों ने दीन दा रस्ता जिहड़ा वा साडे वास्ते यही सिराते मुस्तकीम आ कि जिस तरह उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी कि जिस तरह हजूर सैयद पीर फैज़ मुहीउद्दीन शाह साहब आपने अपने जिंदगी का वक्त गुजारिया वो साडे वास्ते एक मसले रहा वा कि असी उस तरीके दे नाल जिंदगी गुजारीए कि देखो कि बचपन तो चल के आपने अपनी मुकम्मल जिंदगी जिहड़ी आ कि इस दीन वास्ते वक्फ कर दिती दिन रात फिर अपनी बचपन अपनी जवानी अपना बुढ़ापा जिहड़ा कि इस तरीके दे नाल गुजारिया कि साडे वास्ते वो एक साडे नमूना वा कि जिस तरह आपने साडे वास्ते यह आ कि वक्त गुजारिया जिदा साडे तक दीन पहुँचाया बहुत सारे ऐसे आपके वाकियात अक्सर औकात इस तरह आपके कोल बैठे होईदा सी ते आपने फिर कोई भी कोई दीन दे मौजूद उत्ते गल करनी जिस वेले करके फरमाउणा कि भी बेटा या दोस्तों भी थोड़े वास्ते असी इस करके ये बयान करते हैं कि साड़ी ये जिंदगी का निचोड़ आ साड़ी जिहड़ी जिंदगी असी गुजारी आ ये 72 साल 73 साल या जितना असी वक्त गुजारिया असी वो थोड़े दसना चाहते हैं कि असी किस तरीके दे नाल अपनी जिंदगी गुजारी असी उस तरीके दे नाल फिर जिंदगी गुजारनी गुजार के हमेशा वो उत्ते चलने क्योंकि आप दी वलादत जिहड़ी आ कि वो 21 फरवरी नूं कि पुंदड़ी शरीफ जिहड़ा सी जिला लुधियाना उत्थे आप दी वलादत होई उस तो बाद आप जिहड़े आ फिर आपने इब्तदाई तलीम भी उत्थे हासिल कीती उस तो बाद फिर आप जिहड़े आ कि लुधियाने तो बाद जिहड़ा वा आपने नकोदर दे विच तलीम वास्ते गए उस तो बाद फिर आप दे पेशवा जिहड़े आ हजूर सैयद पीर बरकत अली शाह साहब आप दे नाल आपने अपना वक्त गुजारिया ते इस तरीके दे नाल आपने हमेशा हमेशा अपनी जिंदगी जिहड़ी अपने पेशवा दे नाल प्यार कीता मुहब्बत कीती प्यार दे नाल इश्क दे नाल गुजारिया और कोशिश कीती कि हमेशा आप उन्हां दी सोबत दे विच रहन सोबत जिहड़ी आ उह बहुत जरूरी आ यक जमाना बा सोहबते औलिया बेहतर अज सद साला ताए ते बेरिया ते वे एक घड़ी आदि से भी आद भीखा संगत साध की कटे कोट अपराध ते फिर बजुर्गों ने दीन दी सोहबत ही सब कुछ आ कि वो चीज़ा सानू ये मिलनियाँ जिहड़ियां सानू किताबां चों नहीं मिलदियां सानू बाज़ार चों नहीं मिलदियां कि वो सानू बजुर्गों ने अपने पेशवा दी सोहबत दे विचों मिलनियाँ कि असी उन्हां दे नाल जिस तरह आपने जिंदगी गुजारी आ कि असी कोशिश करिए कि यक जमाना बसोब ते औलिया बेहतर अज सत साल ताए ते बेरिया जिस तरह के गल हुई आ कि ये सब तो अच्छी जिहड़ी चीज़ आ साडे वास्ते क्योंकि असी किताबां दे विच जो इलम हासिल करदे वो किताबी इलम वो असी जिस वेले पढ़ते हाँ सानू भुल भी जांदा जिस वेले असी मुशाहदा करदे हाँ किसी चीज़ नूं अपनी अखां दे सामने देखदे हाँ फिर साडे वास्ते वो सानू याद नहीं भुलदा असी वी उहदे मुताबक अपनी जिंदगी गुजारदे हाँ ते फिर आपने आ कि कोशिश करिए कि सोहबत जिहड़ी आ वो बहुत जरूरी आ सोहबत बगैर कोई चीज़ जिहड़ी आ समझ नहीं आउंदी ते फिर अपने पेशवा दी सोहबत इख्तियार करिए अपने पेशवा दी सोहबत दे विच बैठिए और ज़्यादा तो ज़्यादा वक्त जिहड़ा वा वो उत्थे गुजारीए ताकि साडा इस दुनिया दे भी भला होवे और आखरत दे विच भी भला होवे क्योंकि ये सोहबत जिहड़ी आ जरूरी आ क्योंकि देखो असी इस दुनिया दे उत्ते आए हाँ असी इस दुनिया दे उत्ते जिस वेले आदम नूं तखलीक कीता अल्लाह ताला ने ये ऐसे नहीं तखलीक कर दिता गया इहदा कोई मकसद सी
उस मकसद नू असी हासिल करना इस दुनिया के उत्ते, क्योंकि देखो अगर इबादत आ इबादत आ जिहड़े आ कि उस वेले जिस वेले आदम की तखलीक हुई, आदम की तखलीक तो पहलों जिहड़े सी फरिश्ते सी जिन्नात सी वो हज़ारा करोड़ा सालों तो इबादत गुजार सी, ये आके नमाज़ा पढ़ रहे सी जिस तरह आम असी बयान करते हैं जो सुनते हैं कि 1,24,000 फरिश्ता जिहड़ा वा आदम की तखलीक तो पहलो क्याम सी, 1,24,000 रुकू सी, 1,24,000 सजदे सी, 1,24,000 तशद्दी हालत सी, तो फिर अल्लाह ताला की इबादत उस वेले भी बहुत ज़्यादा हो रही सी। तो फिर आदम की तखलीक हुई क्यों हुई, क्योंकि वह देखो कि अल्लाह ताला दे मुकर्रब सी अबलीस जड़ा सीगा कि फरिश्तियां दा सरदार सी, वह अल्लाह ताला दा इतना करीब सी क्लोज सी, इतने क्लोज जड़े सी उन्हां दे हुंदियां होया भी आदम नू तखलीक कीता गया। फिर इस तो साबित हुंदा कोई इंसान नू जड़ा तखलीक करना आदम नू कोई खास मकसद सी, बल्कि खास नहीं सी कोई खासुल खास मकसद सी। वह खासुल खास मकसद जिस मकसद वास्ते इंसान नू तखलीक कीता गया, फिर देखो कि इस दुनिया के उत्ते कमो बेश 1,24,000 पैगंबर आए, वरना आदम नू तो तखलीक कर दिता गया सी। ते फिर आया कि फिर अपने अंबिया इकराम की जरूरत ही नहीं सी, अंबिया इकराम की जरूरत इस करके पेश आई कि जिस वेले असी इस दुनिया के उत्ते इंसान आया, इस दुनिया की रौनक देखी तो अल्लाह ताला दे नाल फिर अलस्ता बे रब्बे कुम और कालू बुला दे कोई गल होई सी, कोई वादा होया सी, उस वादे नू असी भुल गए, क्योंकि जिस वेले रूहां नू तखलीक किया गया उस वेले फिर ये आ कि कुछ वादा होया सी कि अलस्ता बे रब्बे कुम सवाल होया सी इहदे उत्ते, और इसने जवाब दिता सी कि कालू बला। तो फिर वो जिहड़ा कालू बला इकरारुम बिल लिसाने व तस्दीकुम बिल कलब, मुकाम है दो, क्योंकि ईमान दी असी सिफतां वा असी जिस वेले पढ़दे आ असी उहदे उत्ते गौर करके देखिए कि असी उहदे विच दो चीज़ां वा, इकरारुम बिल लिसाने व तस्दीकुम बिल कलब, तो असी इस दुनिया के उत्ते अल्लाह ताला दे होने का इकरार कर रहे हैं, लेकिन यह आ कि अल्लाह ताला नू इस इकरार की साढ़े की जरूरत नहीं, क्योंकि ये इकरार तो असी इस दुनिया तो आने तो पहलों अल्लाह ताला दे नाल कर चुके हैं कि जिस वेले रूहां नू तखलीक किया गया उस वेले अल्लाह ताला ने पूछा कि दसो भी कि लस्ता बे रब्बे कुम कि थोड़ा रब कौन आ, रूहां ने इकरार कर लिया कि कालू बुला के तू ही मेरा रब, जुबान दे नाल ता इकरार हो गया इकरारों बिल लिसान ने, लेकिन व तस्दीकों बिल कलब फिर अबलीस ने की कहा सी कि भी इन्हें जुबान दे नाल इकरार किया इसनू मैं नहीं मनांगा, मैं इनू सजदा नहीं करूँगा, क्योंकि फरिश्तिया ने सजदा कर दिता, तो अबलीस ने नहीं किया, उन्हें कहा कि मैं इदा सजदा नहीं करांगा, मैं सजदा उन्हू करूँगा कि किनू करांगा जेड़ा तस्दीकों बिल कलब करूँगा अपने अमल दे नाल, अपने जिंदगी अपना जिहड़ा वक्त आ उहदे नाल कि अखां दे नाल इकरार करेगा, जुबान दे नाल करेगा, कन्ना दे नाल करेगा, हत्थां दे नाल करेगा, पैरां दे नाल करेगा, सिर तो लग के पैरां तक पूरे जिस्म दे अज़ा अगर तेरे होने दा इकरार कर लैणगे फिर मैं उस इंसान नू तस्लीम करूँगा, वरना मैं इस आदम नू तस्लीम नहीं करूँगा। तो फिर इकरारों बिले साने उत्थे हो चुकिया, हुण असीं इस दुनिया दे उत्ते आए हाँ, असीं इस दुनिया ते आ के तस्दीकों बिल कलब करना, तस्दीकों बिल कलब करन वास्ते फिर सानू किसे रहनुमा की जरूरत आ, किसे पेशवा की किसे कामल की जरूरत आ, क्योंकि अगर जरूरत ना हुंदी अल्लाह ताला नू डायरैक्ट ही पहचानना हुंदा ते फिर अल्लाह ताला ने आदम नू तखलीक कर दिता सी, अपने अंबिया इकराम नू भेजण की जरूरत ही नहीं सी। फिर अपने अंबिया इकराम नू जे अगर भेजिया 1,24,000 एक नहीं दो नहीं तीन नहीं, अगर गिणती करिए तो मुख्तलिफ अदवार दे विच 1,24,000 पैगंबर आए, उन्हां दे आउण दा कोई मकसद सी कि उन्होंने आ के सानू तस्दीकों बिल कलब करवाउणी सी, क्योंकि असी वो जिहड़ा अल्लाह ताला दे नाल अज़ल दे उत्ते जिहड़ा असी वादा कर चुके सी इब्तदा दे विच उस वादे नू फिर असी करके दिखाउणा सी पूरा। फिर इसे करके जदों इंसान इस दुनिया के उपर आया तो इस चीज़ नू खत्म भुल गया, तो फिर अंबिया इकराम आए, अंबिया इकराम ने इन्हां नू याद कराया कि ऐ इंसान तू इस मकसद वास्ते इत्थे नहीं आया कि जिहड़े तू रंगीनी दुनिया दे विच फस गया, कि खाण पीण दे विच फस गया, पहनण दे विच फस गया, मकान बनाउण दे विच फस गया, अपनी शोहरत दे विच फस गया, अपने वालदैन दे नाल, अपने बीवी बच्चियां दे नाल, या जो जो भी इहदे विआह के हवासे खमसा दे दिते गए कि तू इहनां विच फसिया, तेरी जिंदगी दा इह मकसद नहीं, तेरी जिंदगी दा मकसद कोई होर आ, उस मकसद की तलाश कर। फिर अंबिया इकराम ने वह मैसेज वह पैगाम साढ़े तक पहुँचाया,
लेकिन फिर साढ़े नबी आखरों जमा हजूर नबी अकरीम की जात अकदस जिस वेले आप दा वक्त आया तो आपने उस वक्त की फिर तस्दीक की थी। क्यों आपने फिर जो पैगाम दिता फिर जुबान दे नाल नहीं दिता, आपने वो पैगाम साढ़े तक तस्दीक दे नाल पहुँचाया। क्योंकि वाकया महराज जिहड़ा वा इस करके ही आ क्योंकि हजूर ने फिर जिस वेले जात दे नाल हम कलाम होए फिर अशहद ला इलाहा इल्लल्लाह क्या तस्दीक जिहड़ी आ वो कीती कि मैं शहादत दिना। तो फिर शहादत जिहड़ी आ कि जिस तरह अल्लाह ताला दी हजूर ने देख के दिती इस तरह फिर हजूर ने फरमाया कि लैओ भी मैं अज शहादत दिना, तुसी मेरी गल ते यकीन कर लो कि अल्लाह ताला मौजूद आ। और यह आ कि जिस वेले हजूर ने तस्दीक करती सहाबा इकराम ने फिर हजूर नू देख के तस्दीक कर दिती, फिर उन्होंने तस्दीक कर दिती। तस्दीक इहदे वास्ते जरूरी आ, तस्दीकों बिलकलब के दिल की तस्दीक शहादत। असी जिस वेले कलमा पढ़ते हैं अशहद ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहद अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, जिस वेले असी कलमा पढ़ते हैं कि असी की आ असी शहादत दिने आ। शहादत जिहड़ी हुंदी आ हमेशा उस चीज़ की हुंदी आ जिहदी सानू तस्दीक होवे, तस्दीक तो बगैर किसी चीज़ की शहादत नहीं। फिर हजूर ने शहादत दिती वाकया महराज जिस वेले आप गए तशरीफ लै गए जात दे नाल मिले हम कलाम होए, उस तो बाद फिर हजूर ने आके जिस वेले शहादत दिती हजूर की शहादत उत्ते फिर सहाबा इकराम ने शहादत दी, फिर उही शहादत सहाबा इकराम के उत्ते फिर ताबेईन तबा ताबेईन और फिर उही ड्यूटी जिहड़ी सी औलिया इकराम के जुम्मे लग गई कि भी आने वाला एक वक्त आएगा कि जिन्होंने हजूर का उजारी वक्त नहीं देखा होएगा कि उन्हां वास्ते उन्हां नूं जरूरत आ तस्दीकों बिलकलब दी। तो फिर इस करके फिर औलिया इकराम का सिलसिला जिहड़ा सीगा कि रसालत जिहड़ी सी नबूवत जिहड़ी सी उहदे उत्ते मोहर लग गई कि हजूर तो बगैर बाद कोई होर नबी आ नहीं सकदा, खातमुन नबीयीन कि खातमुन नबीयीन ते ईमान जिहड़ा वा उह सब तो जरूरी आ। खतमे नबूवत जिहड़ी आ जिस तरह अजकल आम बयान किया जाता कि खतमे नबूवत ते ईमान लियाउणा हर मुसलमान वास्ते जरूरी आ कि हजूर तो बाद कोई होर नबी पैगंबर कोई रसूल कोई होर नहीं हो सकता। हाँ उहदे विच गुंजाइश जरूर आ कि नबी नहीं हो सकता वली हो सकता, क्योंकि फिर हजूर ते आके नबूवत ते मोहर लग गई फिर मुकामे वलायत जिहड़ा सी मौला मुश्किल कुशा हज़रत अली दी जात आप तो फिर जिस वेले जारी होया फिर हज़रत आके मौला मुश्किल कुशा तो जिस वेले ये मुकाम जारी होया हज़रत अली अलैहिस्सलाम तो फिर उही मुकाम जिहड़ा सी आपने फिर हज़रत इमाम हसन हुसैन की ड्यूटी लाई कि हज़रत इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम ने फिर आपने वो मुकाम जिहड़ा सी वो पैगाम जिहड़ा सी अगे जारी रखिया। फिर उही पैगाम लैके इमाम जैनुल आबदीन या अगे जितने भी फिर आए जिहड़े सिर बुजुर्गों ने दीन आए फिर हजूर गौस कलैन सैयद अब्दुल कादर जिलानी आप तशरीफ बगदाद शरीफ दे विच लैके आए, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती जिहड़े सी वो अजमेर दे विच तशरीफ लैके आए चिश्ती नगर दे विचों, तो आपने फिर उही पैगाम जिहड़ा वा दुनिया तक पहुँचाया कि बुजुर्गों ने दीन दा अगर असी कहीए कोई पैगाम कोई होर आ कोई दीन होर आ दीन होर नहीं, दीन उही आ रसूली आ, रसूली दीन तो बगैर तो होर दीन ही है कोई नहीं, अल्लाह उही आ रसूल उही आ किताब उही आ सब कुछ उही आ। फिर बुजुर्गों ने दीन ने फिर अपनी जिंदगी जिहड़ी सी उस दे मुताबक गुजारन दा सानू ये दरस दिता सानू दसिया कि तुसी इस तरीके दे नाल अपनी जिंदगी गुजारो कि फिर मुख्तलिफ ये आ कि बुजुर्गों ने दीन मुख्तलिफ इलाकों आए जिथे जिथे जरूरत पेश आई, क्योंकि अंबिया कराम कोई होर नबी आ नहीं सी सकदा लेकिन दीन की जरूरत अगे भी सी, हदायत की जरूरत अगे भी सी, क्योंकि हदायत जिहड़ी सी अंबिया कराम के जुम्मे सी कि अपनी अपनी उम्मत नूं हदायत देनी, अंबिया कराम ने हदायत दी। फिर हुण हजूर दा जिस वेले दीन आया तो क्या फिर हजूर तो बाद जिहड़ी उम्मत सी उन्हां नूं हदायत की जरूरत नहीं सी, फिर वह जरूरत सी इस करके फिर मौला मुश्किल कुशा तो फिर मुकामे वलायत जिहड़ा सी वो जिसमक जिसमी लहमक लहमी दमक दमी फिर आपने वो जारी कर दिता कि अगर किसी नूं हदायत की जरूरत आ कि फिर की करो मेरे अली दे कोलों जाके तुसीं लै लियो, क्योंकि जिस तरह हजूर दा फरमान आ सहाबा इकराम ने अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह कि असी आप दे वक्त दे विच हैं सानू हदायत की जरूरत आ या रहनुमाई की जरूरत आ, अगर आप दा जाहरी जमाना इस दुनिया तो चला गया तो फिर सानू हदायत वास्ते या दीन लैण वास्ते असी की करांगे। हजूर ने फरमाया कि मेरे तो बाद मेरा कुरान आ,
ते हदायत वास्ते साहबा इकराम ने अर्ज की कि या रसूलल्लाह कुरान पाक तो है लेकिन वो अरबी जबान चा लोग ऐसे होंगे कि जेडे इस अरबी जबान नूं नहीं समझते मुख्तलिफ इलाकों च होंगे तो फिर उन्होंने वास्ते हदायत तो हजूर ने फिर उत्थे की इरशाद फरमाया कि भी मेरे तो बाद आया कि मेरा कुरान तो अल्लाह ताला दा किताब और इस किताब नूं किसी ने समझना तो मेरे अहले बैत तो फिर आपने भी निशानदही की कि इस कुरान नूं अगर समझना तो फिर किया अपने अहले मेरे अहले बैत की सोहबत दे विच जायो उत्थों जाके थोनू इहदी तफसीर मिलेगी ये कुरान जिहड़ा वा ये समझ आएगा तो फिर असी वो कुरान नू समझना तो सानू अहले बैत की सोहबत जिहड़ी आ वो जरूरी है। जिस तरह एक हिंदी दे विच शेर है कि तू ढूंढे जिस चीज़ को किस बिद आवे हाथ कहत कबीर तब पाइए जब भेती लईए साथ। तो अगर किसी चीज़ में असी लभदे हां सानू नहीं मिलती अगर उन्होंने हासिल करना तो फिर की करना पऊगा कोई भेती सानू नाल लैना पऊगा। मौलाना रूम साहब ने कहा कि मौलवी हरगज ना शुद्ध मौलाना ए रूम ता गुलामी ए शमस तबरेजी ना शुद्ध कि मैं उन्नी देर मौलवी नहीं बनया जिन्नी देर मैं शमस तबरेज की गुलामी नहीं की। वाह अकीम उसलात आ वाह आत उस जकात आ वरकाऊ मर रा के ईन कि कायम करो नमाज और दो ज़कात और झुक जाओ झुकने वालों के साथ। तो फिर झुकने वालों का साथ इहदे वास्ते जरूरी आ कि मौलाना रूम साहब देखो कि 360 आलमां दे उस्ताद सी एक वक्त आप दरस दिंदे सी पूरे कोनिया दे विच कि पूरे तुर्की दे विच पूरी दुनिया दे विच आपका एक नाम का डंका सी कि आपने किताबां इन्नियां लिखियां इतने आप शरीयत दे पाबंद और दीन नूं समझण वाले। लेकिन जिस वेले शमस तबरेज़ साहब की गुलामी दे विच आए तो फिर आके कहा कि मौलवी हरगज ना शुद्ध मौला ना ए रूम ता गुलामी है शमस तबरेज़ी ना शुद्ध कि फिर असल दीन दी समझ ही फिर उदों आई कि जदों फिर बुजुर्गों ने दीन दी सोहबत इख्तियार की। फिर बया कि शमस तबरेज़ साहब की गुलामी आए तो फिर आपने फरमाया कि साडा दीन अज मुकम्मल होया। इस तरह बाबा फरीद साहब का देखो कि ये आपका वक्त जड़ा सी कि आप मुजाहदा करके मुशक्कत करके इस मुकाम ते पहुँच गए सी कि दरख्तों से चिड़िया बैठी होंगे सी उन्होंने फरमाते मर जाओ तो मर जाती सी उन्होंने फरमाते जी पाओ तो जी पैंदियां सी कि आपने मुजाहदे दे नाल मुशक्कत दे नाल ये मुकाम हासिल किया। लेकिन दीन मुकम्मल नहीं होया। दीन उदों मुकम्मल होया किसी कदों जदों किसी कामल के हथा दे विच जाके हथ देता कि जिन्ना जिकर कामल के हाथों से हथ नहीं सी दिता उन्नी देर दीन मुकम्मल नहीं होया। सुल्तान बाहू साहब देखो कि आप जमाने ते आप दा एक नाम सी आप दे फिर करामात जिहड़ी आ पूरे दुनिया दे उते इलाके दे विच मशहूर सी। लेकिन आप दी वालदा ने की कहा कि ऐ बाहू तू हजे मुकम्मल नहीं होया ये तो दुनिया दीयां चीज़ां सारियां अगर इसनों मुकम्मल करना दीन मुकम्मल करना तू तो फिर तेनों की करना पेगा किसी मर्द के हाथों से हाथ देने पैणगे किसी की सोहबत दे विच जाना पऊ किसी की गुलामी दे विच अपने आप नूं लै के जाना पऊ। फिर सुल्तान बाहू साहब ने देखो कि चले कि बगदाद शरीफ तिकर पहुँचे बगदाद शरीफ तो चले फिर दिल्ली तिकर पहुँचे उतों जा के आपने फिर ये आके दस्ते बैत की कामल पेशवा दे कोलों जा के सोहबत लई फिर आपका दीन मुकम्मल होया। इस करके साडे वास्ते भी जरूरी आ कि असी इस दौर दे विच देखो कि असी हुण इस मुल्क दे विच रहने आ साडी जबान पंजाबी आ या उर्दू आ या थोड़ी बहुत कोई इंग्लिश भी थोड़ा बहुत समझ लैंदा लेकिन कुराने पाक जिहड़ा वा अरबी जबान दे विच आ हजूर दे फरमान जिहड़े फरमूदात आ ते इरशादात आ जिहड़े आप दे हदीसां जिहड़ियां वह अरबी जबान दे विच सानू समझ नहीं आउंदियां सानू उहनां नूं समझण दी जरूरत आ तो फिर उस समझण वास्ते सानू किसी रहनुमा की जरूरत आ। देखो कि एक आम आदमी की जुबान अगर असी समझनी आ कि वह नहीं सानू असी इत्थे रहने चाइना का कोई बंदा आ जाए तो सानू चाइना की जुबान की समझ नहीं आती बल्कि चाइना तो दूर आ इतों कोई सराइकी आ जाए कोई सिंधी आ जाए कोई बलोची आ जाए सानू उन्हां दी समझ नहीं आती फिर वह सानू समझ नहीं आती क्योंकि वह समझण की फिर सानू जरूरत आ। इस तरह फिर कुरान पाक जिहड़ा वा फिर की आ ये अल्लाह ताला दा कलाम आ एक बंदे दा कलाम नहीं कि असं अगर कही कि हर इंसान इनू बड़े आसानी दे नाल समझ सकदा जे असी अपने इलम दे नाल इनू समझ सकते हैं इलम दे नाल इनू नहीं असी समझ सकते इनू अमल दे नाल असी समझ सकते हैं कि अलिफ ला मीम जालिकल किताबो ला रैब फी
कि उत्थे हुण ज़ात ने फरमाता कि इस किताब दे विच कोई शक नहीं है, इस दे विच कोई शक नहीं है, फिर उस किताब नूं समझना पऊगा, उस किताब की तलाश करनी पऊगी, वह किहड़ी ऐसी किताब आ जिहदे विच कोई शक नहीं। तो फिर ये तलाश आ कि इंसान नूं पैदा किया अल्लाह ताला ने किसी तलाश वास्ते, किसी जुस्तजू वास्ते। असी हुण अपनी इस जिंदगी दे विच कोशिश करिए कि वह तलाश जिहड़ी आ, वह जुस्तजू जिहड़ी आ, असी उहनूं मुकम्मल कर लईए, ताकि इस दुनिया के उत्ते असी अपना जिस काम वास्ते आए हैं वह काम कर लवेंगे, जदों असी इतों वापस जावांगे अल्लाह के दरबार के सुरखरू हो जाएंगे। अगर असी वो काम ही नहीं करके गए, असी इत्थे इस दुनिया की कमाई दे विच पै रहे, दुनिया की दौलत कमाते रहे, दुनिया की इज्जत कमाते रहे, दुनिया की शोहरत कमाते रहे, तो फिर की है आखरत दे विच जाके सानू हिस्सा नहीं मिलना। हिस्सा सानू उदों मिलना जदों आखरत आ दुनिया मजरा तुल आखिरत, कि दुनिया जो है वो आखरत की एक खेती है, कि अद दुनिया मजरा तुल आखिरत, कि दुनिया आखरत की खेती आ, कि इस दुनिया के उत्ते कि जो असी बीजना असी अगे जा के उही वढ़ना। वो कादरी साहब का फरमान आ कि कादरी आखरे ओहो वढ़े जो कुछ हुण तू बोवेंगा, शीन शिरक के चिरक को प्यारे जब तू दिल से धोवेंगा तब तू मेरे जानी प्यारे खासा मोमन होवेंगा, मोमन हो के दोही जहानी सुख दी नींदे सोवेंगा, कादरी आखर ओहो वढ़े जो कुछ हुण तू बोवेंगा। कि फिर जो असी इस दुनिया के उत्ते बोना वा असी उही आखरत दे विच जा के कटना। फिर कोशिश करिए अपनी जिंदगी जिहड़ी आ इस सांवां दे हुंदिया हुंदिया, ये साह जिहड़े आ इह सवारे जाण, इह सांवां दे हुंदिया हुंदिया असी अपनी मंजिल हासिल कर लईए। क्योंकि आम एक लफज दरवेशां वास्ते, फकर लोगां वास्ते बोलिया जांदा साधू, साडे पेशवा हजूर दा इह फरमान आ, हजूर सैयद पीर फैज़ मुहीद्दीन शाह साहब आप ने अक्सर इह फरमाउणा कि लफज कहा जांदा साधू। उह साधू कौण हुंदा कि आम तां बोल दिंदे आ कि जी आ साधू तुरे फिरदे आ, पर आम जिहड़े कपड़े पा के चोगे पा के मणके पा के फिरदे वह साधु नहीं। साधु वो आ जिहड़े सावां नूं सवार जाण, साधु सावां नूं सोध जाण, जिथे सुल्तान बाहू साहब ने फरमाना कि जो दम गाफल सो दम काफर। सानू मुरशद सबक पढ़ाया हो, सुनिया सुखन ज्ञान खुल अखियां असां चित मौला संग लाया हो, कीती जान हवाले रब दे ऐसा इश्क माया हो, मर थी अगे मर गया बाहू तद मतलब थी पाया हूँ। तो फिर इस मतलब नूं पाउणा तो फिर की करना पऊगा, जो दम गाफल सो दम काफर, कि अपने सावां नूं सोधना पऊगा। जिहड़ा सावां नूं सोध गया वह साधु आ, जिहड़ा सावां नूं सवारिया नहीं वह साधु नहीं। कि देखो सुबह तो ला के शाम तक, शाम तो ला के सुबह तक जो साढ़े साह आउंदे आ, इह सावां दी गिणती होनी आ। कोशिश करिए कि जिहड़ा भी साह आवे उहदी याद दे विच आवे, जो दम गाफल सो दम काफर। तो फिर यह आ कि फिर जिहड़ा तेरी याद बिना मेरिया महबूबा जिहड़ा साह आया वह हराम आया। तो फिर दानिया का तो यह कहना कि अपने यार की याद तो बगैर जिहड़ा भी साह आया वह हराम आया। तो फिर कोशिश करिए कि अपने सावां नूं आपां जाया ना करिए, इहनूं हराम ना करिए, इहनां सावां नूं सवार लईए। क्योंकि जितने भी सवारे जाणगे उन्ना ही सानू फायदा आखरत दे विच, जिस वेले जावांगे वो जिन्ने इत्थों असी कमावांगे साडे अकाउंट दे विच उन्ने पै होणगे, जदों अकाउंट दे विच पै होए चैक कटांगे उन जिन्ने मर्जी पैसे लवांगे कैश करांगे। वो मैं अक्सर मिसाल दिंदा उन्ना कि इत्थों एक बंदा सऊदी अरब जांदा, उत्थों जा के दो साल लाउंदा कमाई करदा, अगर दो साल दिल ला के उन्हें मेहनत की, दिल ला के उत्थे कमाया, उन्नू बचाया, उत्थों ये आ कि जो भी कमाया बैंक के जरिए पाकिस्तान भेजता, जदों वो दो साल तो बाद पाकिस्तान आऊगा उन्हूं इत्थे आके कोई काम करन दी जरूरत नहीं, उन्हूं परेशान होने दी जरूरत नहीं। क्यों? कि अकाउंट दे विच उहदे पैसे पए आ, जदों उन्हूं जरूरत पैंदी आ वो चैक भरदा, बैंक च जाके पैसे लैंदा, अपनी मौज करदा। पर जिन्हें उत्थे दो साल मेहनत की आ, वह इस पाकिस्तान च आके फिर की करेगा? मौज मस्ती वह करेगा। जिन्हें उत्थे जा के वेला रहा, उत्थे जा के वीज़ा भी लिया, उत्थे पहुँचया भी, उत्थे पहुँच के मेहनत ना की, कोशिश ना की, एवं दुनिया वक्त जिहड़ा गुजार के आ गया, जिदा पंजाबी च कहिंदे कि अवागाउंड जिहड़ा वक्त उत्थे गुजार के आ गया, जिस वेले वापस आऊगा तो फिर इत्थे आ के उत्थे भी उहनूं जुत्तियां सी और इत्थे आ के भी जुत्तियां पैणियां। फिर जिन्हें उत्थे कमाई की उहनूं इत्थे कम आउणी आ। अगर असी भी इस दुनिया के उत्ते कुछ लिमिटेड जहा वीज़ा लैके आए हैं, दो साल का या चार साल का या
50 साल का या 100 साल का, यह सानू वीज़ा मिलिया इस दुनिया से आने का कि इतने जाओ कमाई करो और पिछे भेजो। फिर जे असी इतने आवेंगे कमाई करांगे वो पिछे भेजांगे तो जिस वेले असी वापस इस दुनिया तो जावांगे साडा ईमान आ कि इस दुनिया से आए हैं इस दुनिया तो वापस भी जाना असी उत्थे जा के फिर जो भी असी दुनिया से साडे अमाल आ वो साडे सामने होने आ फिर जो कमाया जो गवाया वो सारा कुछ साडे सामने होना। तो फिर जो उत्थे जाना फिर कोई ना कोई चीज़ लैके जाइए कोई कम ऐसा करके जाइए कि उत्थे जांदियां नूं फिर शाबाश मिले। तो फिर आप साडे पेशवा हजूर सैयद फैज़ मुहीउद्दीन शाह साहब आपने अक्सर फरमाना कि मर्द इंसान वो आ कि केड़ा जेड़ा मरहबा कहलावे किस टाइम जदों इस दुनिया तो जाना कबर दे विच जिस वेले जाना उत्थे फरिश्ते आउण ते मरहबा कह के इहनूं बुलाउण और जदों फिर आखरत दे विच जाना ते मरहबा इहनूं उत्थे कह के बुलाया जावे। फिर जदों इस दुनिया तो जाना कबर च जाना या हशर दे मैदान च जाना उत्थे मरहबा इहदे वास्ते होई ते फिर मर्द ओ आ। तो अगर ये वास्ते उत्थे मरहबा नहीं तो फिर ये मर्द नहीं ये तो अपनी जिंदगी इत दुनिया के उत्ते जाया करके चला गया। फिर कोशिश करिए कि अपनी जिंदगी इतने जाया ना करिए कि चंद घड़ियाँ जिहड़ियां सांस है जिहड़ी इसनू सवार लिए सांस का कोई एतबार नहीं कि यह अज आ रहा वा कल का बहुत दूर आ अगले साह का एतबार नहीं कि अगला साह भी आना या नहीं आना। फिर कोशिश करिए कि अपने सावान नू सवार लिए क्योंकि हजूर अगे एक साहबी ने आके अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह मैं बड़ी इबादत करदा बड़ियां नमाजा पढ़दा बड़ी मैं मेहनत करदा लेकिन मेरे दिल दे विच खौफे खुदा नहीं पैदा हुंदा। मैनू कोई ऐसा अमल दसो कोई वजीफा दसो कोई इबादत दसो कि जिहड़ी मैं करां मेरे दिल दे विच अपने आका का डर और अपने आका का मेरे रब का खौफ पैदा हो जाए। हजूर ने उहदे वास्ते फरमाया कि भी साहबी नूं कि भी तेरे वास्ते अमल वजीफा तेरे वास्ते इबादत यही आ अगर अपने मन दे विच खौफे खुदा तू पैदा करना चाहना तो की कर के रात नूं सौण लगे अपनी मौत नूं याद कर लिया कर कि मैं हुण सौण लगा वा पता नहीं जिंदगी मेरी सुबह होनी आ या नहीं होनी सुबह मैं उठना या नहीं उठना। जदों सुबह नूं उठ गया तू उठण तो पहलों उस वेले अपने आप नूं बिस्तर दे उत्ते लेट के ये याद कर कि भी अज जिंदगी पता नहीं शाम आनी आ या नहीं आनी पता नहीं अज मेरी जिंदगी दी आखिरी दिन वा जदों रात नूं सौवे उदों सोच पता नहीं मेरी जिंदगी दी ये आखिरी रात आ। जदों तू ये सोचेगा तेरे मन दे विच खौफे खुदा अपने आप पैदा हो जाएगा। फिर ये आ कि अपनी मौत नूं याद करना फिर असी दुनिया उत्ते जो कुछ भी कर रहे हैं जो कुछ भी हो रहा अपनी मौत की तैयारी आखरत की तैयारी है। तो फिर आखरत की तैयारी जे करनी आ तो फिर यह उहदे वास्ते बिस्तरा बनना पवेगा उहदे वास्ते अपना समान तैयार करना पवेगा रस्ते का समान अगे जा के जिस मंजिल ते पहुँचना उत्थे वास्ते। फिर असी अज आ बजुर्गां ने दीन दे उर्स मना रहे हैं बजुर्गां ने दीन दे कोल आ रहे हैं। कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि जिहड़े उर्स मनाए जाते हैं पिछले दिनों भी मेरे को कुछ लोगों ने सवालात किए कि जी ये जिहड़े उर्स मनाए जाते हैं क्योंकि मैं हुण सवाल आ जिहड़ा दोस्तों ने किए अगर वो मैं सुन रहे अज देख रहे आ तो मैं उन्हां वास्ते जवाब दे रहा वा क्योंकि फेसबुक से या यूट्यूब से कमेंट्स वगैरह अक्सर लोग करते हैं कि वो लोग अक्सर पुछते कि जी दीन क्या यही चीज़ आ कि दरबारों से जाके सलाम कर लिया तो दीन मुकम्मल हो गया या अपने पेशवा दे कोल जाके मुर्शिद दे जाके हाथ चुम लिया तो दीन मुकम्मल हो गया या कवाली दे विच बैठ गया तो दीन मुकम्मल हो गया या फिर ढोल बजदे उहदे उत्ते धमाल पा ली तो दीन मुकम्मल हो गया। क्या दीन यही आ कि बजुर्गों ने दीन दे कोल यही दीन आ या कोई होर भी दीन है तो अक्सर लोग ये सवाल करते उन्हां दे वास्ते वे आ कि भी दोस्तो कि बजुर्गों ने दीन दा दीन ये नहीं ये तो जिहड़े आउंदे आ उन्हां दे शौक आ क्यों जिन्हां उन्हां दे उत्ते तुद एहसान करे कोई जर्रा दिलो झुके सौ बारी कुल एहसान तेरे ते जिसदा तोड़ नहीं तिस यारी ला यारी पर पूरी सारी जे होयो इकरारी जे होयो इनकारी ते है अंत खुआरी दी खारी। मौलवी गुलाम रसूल साहब तफसीर दे विच बयान करदे आ कि तेरे उपर कोई एक आदमी कोई छोटा जिहा एहसान कर दिंदा वा तो फिर की करदा तू किसे मुश्किल दे विच आ ते मुश्किल दे वेले तेनू 500 रुपए की जरूरत आ 500 रुपया तेरी मदद कर दिंदा वो तेरे उत्ते एहसान करदा तेरा वक्त गुजर जांदा तू 500 रुपया उहनू वापस भी कर दिंदा लेकिन सारी उम्र उहदा एहसान मनदा क्योंकि भी मेरे मुश्किल वेले यह काम आया सी इहने मुश्किल वेले मेरा साथ दिता सी
तो जिस वेले मेरे मुश्किल वेले इन्हें मेरा साथ दिता सी तो फिर यह आ कि उहदा एक एहसान मनदा है। तो फिर यह आ कि एक दुनिया का एक एहसान तेरे ते किसी ने किया तो सारी उम्र असी एहसान का बदला नहीं उतार सकते। तो फिर इस दीन का हजूर की पहचान का अल्लाह की पहचान का अल्लाह के नबी की पहचान का रस्ता दिता सानू पहचान कराई साड़ी आखरत वास्ते समान किया सानू आखरत की पहचान कराई। फिर बुजुर्गों ने दीन ने असल दीन तो है यह बुजुर्गों ने दीन का पैगाम तो है यह कि सानू पहचान कराई आ वो फिर जिन्ह ने थोड़े उत्ते एहसान किया जो असी उहदी बारगाह दे विच पेश हुंदे आ फिर जिदा एक पंजाबी च कहिंदे असी अपने चा लाड पूरे करदे आ अपनी एक खुशी का इजहार करदे आ वो फिर जो जो साडे मन च खुशी आउंदी आ जिस तरीके दे नाल साडे चा लाड आउंदा आ असी वह पूरे करदे आ कि हजूर दे दौर दे विच वी साहबा इकराम जिस वेले जांदे क्योंकि कबीला आया तो आ के मुसलमान होया तो उन्होंने अर्ज की कि यार सुल्ला साडे कबीले च रिवाज सी कि जदों असी खुश हुंदे सी तो असी यह आ कि उत्थे गाउंदे सी उत्थे डफ बजाउंदे सी क्या सानू इजाजत आ। आपने फरमाया हाँ भी थोड़े वास्ते खुशी का मुकाम हजूर की बारगाह दे विच जिस वेले हाजिर हो के तो उन्होंने डफ बजाई उन्होंने उत्थे अपनी खुशी का इजहार किया। तो फिर मज़ारात दे उत्ते दरबारां दे उत्ते जिहड़े लोग आउंदे आ आ के जिस तरीके दे नाल तुसीं इन्हां नूं यह आ कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया के उत्ते देखते हैं या टीवी चैनलों के उत्ते देखते हैं ये जो कुछ कर रहे हैं दीन नहीं दीन तो वह आ जिहड़ा इन्हां तिकर पहुँच चुके इन्हां दे सीने दे अंदर आ बात जिहड़ी इन्हां दे सीने च पहुँच चुकी असल बात वह आ इह तां एक फिर खुशी का इजहार करते आ कि इस वसीले दे नाल इस मारफत दे नाल वबतऊ अलैह वसीला कि सानू यह वसीला मिलिया इस वसीले दे नाल सानू अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल की पहचान होई। फिर जिहदे जरिए पहचान होई उहदा शुकराना अदा करदे उहदे चा लाड करदे आ उह मज़ारात दे उत्ते आ के धमाल पाउंदे आ या मुख्तलिफ इह आ कि कवाली सुणदे आ या असी जो जो भी तुसी देखदे आ कि असी जो कुछ भी बजुर्गों ने दीन दे मज़ारात ते हो रहा वो तुसी सवाल करदे आ कि क्या यही दीन है दीन नहीं दीन तो होर चीज़ आ इह तां साडा अपने मन का एक शौक आ साडा इश्क वा साडा शौक आ एक खुशी का इजहार आ कि जदों साडे मन च कोई खुशी आउंदी आ असी वह खुशी का इजहार करना चाहुंदे आ जदों असी फिर उन्हां दरबारां ते जां मज़ारात दे उत्ते जां अपने मुर्शिद दे सामने जिस वेले जाने आ असी भी एक खुशी का इजहार करते हाँ कि अपने मन की खुशी होंदी है कि भी सानू इन्हां दे जरिए हदायत मिली जिहदे जरिए सानू हदायत मिली आ उस हदायत का असी फिर शुकराना अदा करते हाँ कि तुद एहसान कर रहे कोई जर्रा दिलों झुके सौ बारी कुल एहसान तेरे ते जिसका तोड़ नहीं तिस यारी ला यारी पर पूरी सारी जे होयो इकरारी जे होयो इनकारी ते है अंत खुआरी दी खुआरी। तो फिर तेरे उत्ते कोई एहसान करता तो फिर यह कि ठीक आ कि झुकदा वा तो फिर ये कुल एहसान तेरे ते जिसका सिर तो लाके पैरां तक इस दुनिया का इस आखरत का जिन्हें तेरे उत्ते एहसान कर दिता तेनू पहचान कराती तू उहदा शुकराना अदा करें तो फिर शुकराना अदा नहीं हो सकता। फिर इत्थे आशिक लोग कहिंदे आ कि असी साडे उत्ते जिहड़ी करमनवाजी होई जिहड़ी साडी मेहरबानी होई साडे तिकर अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दा दीन और पैगाम पहुँचिया असी जे शुकराना अदा करिए तो शुकराना नहीं अदा हो सकता कि लूं लूं दे मुड लख लख चश्मा थीगे ना शुक्रगुजारी। वह कहिंदे आ कि मेरे एक एक लूं दे मुड लख लख अखां भी बन जाण पूरे जिसम दे देखो कि किन्ने जिसम दे लूं आ बाल आ कि इन्हां दे नाल एक लूं लूं दे मुड लख लख चश्मा कि लख लख भी अखां बन जाण और रल के भी शुकराना अदा करन ते शुकराना अदा नहीं हुंदा। ते फिर साडे उत्ते जिहड़ा करम कीता उस करम दा असी शुकराना अदा किदां कर सकदे आ। अतवार आवणा मेरा जहान उत्ते साडे पेशवा दा फरमान आ कि अतवार आवणा मेरा जहान उत्ते कीता आन सखीरता तैं साकी नहीं तां कुत्तियां वांग सी चले जाणा कायम रखिया दे के मैं साकी सिर रखा ना जे तेरे कदमां ते शाला दोज की सड़ांगा मैं साकी शुकर होवे अदा ना फैज कोलों जिहड़ा करम कीता इसते तैं साकी। ते असी तां उहदे करम नूं उहदे फजल नूं असी तां बयान ही नहीं कर सकदे उहदा शुकराना असी की कर सकदे आ सक्या असी इस काबल हैं कि असी उहदा शुकराना अदा कर सकीए असी शुकराना नहीं अदा कर सकदे। हाँ असी कोशिश करदे आ कि इस तरह उसके उत्ते जिस वेले या दरबारा से या अपने मुर्शिद दे हजूर दरबार च पेश हुंदे आ फिर असी शुकराना अदा उस हद तकर नहीं कर सकते पर असी कोशिश करते हैं
कि कोशिश करते हैं कि असी उहदा शुकराना जितना भी वध तो वध हो सके, जितना भी ज़्यादा तो ज़्यादा हो सके, असी वह शुकराना अदा करिए, उहदी बारगाह दे विच आजिज बन के फिरीए, उहदे विच मस्कीन बन के फिरीए, साडे विच अपनी अना ना आवे, साडी मैं ना आवे, इस अपनी मैं नूं गवा के रखिए। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਗਵਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੂਤੂ ਕਬਲਾ ਅੰਤਾ ਮੂਤੂ। ਅਗਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਮਰਨੇ ਸੇ ਕਬਲ ਖੁਦ ਕੋ ਮਾਰਨਾ ਪੜੇਗਾ। ਅਗਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਕੋ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਵਜੂਦ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਉਹੀ ਹਰਫੇ ਆਖਰ, ਉਹੀ ਹੁਕਮੇ ਆਖਰ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮੇ ਆਖਰ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹੁਕਮੇ ਆਖਰ ਸਮਝ ਕੇ, ਹਰਫੇ ਆਖਰ ਸਮਝ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰਾ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਟਿਕਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਨਾ ਜ਼ੇਰ ਦਾ, ਨਾ ਜ਼ਬਰ ਦਾ, ਨਾ ਪੇਸ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਹੁਕਮ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ਵਾ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਰਬੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਫ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਜ਼ਬਰ ਆ, ਫਿਰ ਜ਼ੇਰ ਆ, ਫਿਰ ਪੇਸ਼ ਆ। ਫਿਰ ਆਪਨੇ ਅਕਸਰ ਫਰਮਾਉਣਾ, ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਅਲਫ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤੂੰ ਆ, ਅਲਫ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕੌਣ ਆ, ਜ਼ਬਰ ਕੌਣ ਆ, ਫਿਰ ਜ਼ੇਰ ਆ, ਫਿਰ ਦੇਖ ਮੈਂ ਜ਼ੇਰ ਕਿਹਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਪੇਸ਼ ਆ, ਫਿਰ ਦੇਖ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਿਹਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਹੋਣਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਬਰ, ਜ਼ੇਰ, ਪੇਸ਼ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਲਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੇ ਅਤੇ ਟੇ ਸੇ ਤਿਕਰ ਯੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਲਫ ਨੂੰ ਸਮਝਣ 'ਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕੋ ਅਲਫ ਤੇਰਾ ਦਰਕਾਰ, ਇਲਮੋ ਬਸ ਕਰੀ ਓ ਯਾਰ। ਬਹੁਤਾ ਇਲਮ ਅਜ਼ਾਜ਼ੀਲ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਝੁੱਗਾ ਚਾਹਾ ਉਸਦਾ ਸੜਿਆ, ਆਖਰ ਤੌਕ ਲਾਨਤ ਦਾ ਪੜਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਿਆ ਉਹ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ। ਇਲਮੋ ਬਸ ਕਰੀ ਓ ਯਾਰ, ਇੱਕੋ ਅਲਫ ਤੇਰਾ ਦਰਕਾਰ, ਇਲਮੋ ਬਸ ਕਰੀ ਓ ਯਾਰ। ਫਿਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਜੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਮੁਕਾਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕੋ ਅਲਫ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਫ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਫ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਾ ਕਿ ਅਲਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰ ਆ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕੌਣ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ੇਰ ਆ, ਤੂੰ ਜ਼ੇਰ ਕਿਹਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਿਹਦੇ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੀਨ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਆ, ਦੀਨ ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਦੀਨ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਰਸੂਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਏ, ਤਾਂ ਦੀਨ ਆਸਾਨ ਹੀ ਬਹੁਤ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਤੁਰੇ ਚੱਲੋ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੋ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਰਸਤਾ ਆਹ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਿਆ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਸ ਸੜਕ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਸੱਜੇ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਉਤਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਟੋਏ ਵੀ ਹੋਣੇ, ਟਿੱਬੇ ਵੀ ਹੋਣੇ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਪਹਾੜ ਵੀ ਹੋਣੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਹੋਣੇ, ਤੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਸਰਾਤੇ ਮੁਸਤਕੀਮ, ਕਿ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਪੈ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਭਲਾ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਾਤੇ ਮੁਸਤਕੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਿਆ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਸਾਡੇ ਤਿਕਰ ਹਜ਼ੂਰ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੀਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਤਿਕਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸਾਡੇ ਤਿਕਰ ਮੇਰੇ ਤਿਕਰ ਮੇਰੇ ਪੇਸ਼ਵਾ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ਵਾ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਾਤੇ ਮੁਸਤਕੀਮ ਉਹ ਆ ਕਿ ਜੋ ਪੇਸ਼ਵਾ ਨੇ ਕਾਮਲ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਬਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਬਕ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੱਸੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਦੱਸੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੌਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇ, ਉਹ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਹੀਂ। ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਵੇ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਆ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਧੀ ਧਾੜਾ ਪੁੱਤ ਪਵਾੜਾ ਰੰਨ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖੂਹ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਐਸਾ ਟੋਲੀਏ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲਵੇ ਤਰੋ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਧੀ ਧਾੜਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤ ਪਵਾੜਾ ਰੰਨ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖੂਹ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਇਹਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਬੈਰੀਅਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਬੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਆਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨੂਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਅਸਲ ਤਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੀ।
तो उस मंजिल की तलाश करो, उस मंजिल तक पहुँचो ताकि थोड़े वास्ते बेहतरी हो जाए और आखरत जी सवारी जाए। आखरत वास्ते कर रहे हैं, कबर का अजाब जोड़ा वा उस तो असी बच जाइए, आखरत के अजाब तो असी बच जाइए और अल्लाह के दरबार के मकबूल हो जाइए। उस मकबूलीयत वास्ते कबूलीयत वास्ते फिर अपनी जिंदगी बदलीए, अपने आप को बदलीए। चंद दिन की दुनिया वा, ये जो कुछ कमाया खटिया जो कुछ भी आ सारा कुछ इत्थे रह जाना, ना सुख चिट्टे कपड़ी ते ना सुख रंग लिया, ना सुख विच गिरसत दे ते ना सुख छड गया, सुख है विच विचार दे संता सरन पिया। अगर सुकून चाहते हैं अमन चाहते हैं तो फिर किसी कामल दे नाल लग के बैठ जाओ तो फिर ही सुकून मिलना। क्यों कबीर साहब जा रहा सी, भगत कबीर साहब ते अगे चक्की चलती सी, आटा पीस हो रहा सी, खरास चल रहा सी। वो आपने जिस वेले देखिया जाके करीब जाके इस तरह देखिया तो देखिया कि वह पुड़ चल रहे हैं तो जोड़े दाने वो पीस हो के आटा बन के बहर आ रहे हैं। जो तो देखिया तो आप उत्थे रोन लग पे वजह दे विच आ गए। वो जोड़े नाल आपदे सी मन्नण वाले उन्होंने अर्ज की कि कबीर साहब की गल हुई, एक पौड़ी चलते आ एक होर इतने की होया कि जोड़ा आप इस तरह आप कह लगे तू गौर करके नहीं देखिया इस दे उत्ते गौर करके तो देख ये जोड़े पुड़ चलते आ। कि फिर आपने उत्थे एक शेर पढ़िया कि चलती चक्की देख के प्या कबीरा रो, दो पाटन के बीच में साबत बचाना को, पर कीली दे संग लग के रहा कबीर खड़ो। तो फिर की कहिंदे कि फिर देखो गौर करके देखो कि आ पुड़ चलते आते जे गंदम दे कणक दे दाने पाए जाते साबत आ, साबत जड़ा दाना ये सुटिया जाता वा जिस वेले पुड़ा दे वेच चल के पीस हो के इस तरीके दे नाल जो तो बाहर निकलता आटा बन के निकली जाता, जड़ा इस पुड़ दे वेच पीसिया गया वह आटा बन जाना। हाँ ये बचना एको तरीका वा, वो किहड़ा कि दो पुड़ा के दरम्यान दे विच कीली लगी हुंदी आ, जिहड़े दाणा वो कीली दे नाल जाके लग गया वो सलामत आ, उहनूं कुछ नहीं होना। जिहड़ा कीली तो दूर होया वो पीसिया जाणा। तो फिर आप कहिंदे गौर करके देखो जिहड़ा कीली दे नाल लगा वो बच गया, जिहड़ा कीली तो दूर होया वह आटा बन के बाहर आ गया। तो फिर दुनिया की फिर चक्की चलती आ, अगर ये बचना वा तो सानू भी कोई कीली लभनी पेगी, कोई मरकज लभना पेगा। तै वस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख, कोलामा साहब का है फरमान कि पैवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख, कि शजर दे नाल पैवस्ता रह जुड़ के रह तो फिर उम्मीद बहार रख। तू जे शजर दे नाल टोटी गया वा जमीन से डिग पिया वा फिर तो गलना ही आ सड़ना ही है ना, तो फिर तू होया कि तू हरा नहीं रह सकता। हरे उ रहने जेडे शजर के नाल दरखत के नाल फल जुड़िया होया वा, जिहड़ा दरखत के नाल फल अलहदा हो के थले जमीन से डिग पिया वह की कहते असी कहते केरे का अंब वा, एक केरे का किन्नू वा इहनू साइड ते कर दिओ, जिहड़ा असी ताज़ा नालों शाख के नालों कट के लिया के आने उहदी कीमत होर आ, जिहड़ा गिरिया होया वा उहदी कीमत को होर आ। तो फिर असी अपने आप नू जोड़ी रखिए, हजूर दे नाल जोड़ी रखिए, हजूर दे प्यार दे विच हजूर दे इश्क दे विच अपने आप नू जोड़ी रखिए। जदों हजूर साडी किली आ असी उस किली दे नाल लग के रवांगे ते आखरत वाले दिन फिर आखरत दा क्यामत दा या हशर दा मैदान चलना वह पुड़ चलदे होणे आ। जिहड़े जिहड़े हजूर दे नाल जुड़े खड़े होणगे वह बच जाणगे, जिहड़े हजूर तो दूर होणगे पीसे जाणगे। तो फिर इत्थे इक कोशिश करिए अपने मन नू इत्थे टिकाइए, टिका के तो फिर अपनी जिंदगी जिहड़ी आ उत्थे गुजारन दी कोशिश करिए। तो फिर हुण इह आ कि वक्त भी ज़्यादा हो गया वा तो इन्हां दी टेस्ट ट्रांसमिशन सी मैं उहदे विच काफ़ी टाइम लग गया, मेरा ख्याल हुण इत्थे खत्म करिए ता कि फिर उर्स जिहड़े आ दी तैयारी की जाए। कल नूं फिर उर्स भी शुरू होना वा तो उर्स दे विच भी शामिल होना, हुण वक्त भी काफ़ी हो गया तो इंशाल्लाह फिर सुबह दोस्तां दे नाल फिर लाइव मिलांगे। बाकी दोस्त जिहड़े जिहड़े मैनूं जिस तरह अगे दस्सिया कि लाइव देखना चाहुंदे आ तो इहनूं या कि सबसक्राइब कर लो या बैल आईकॉन जिहड़ा वा उहनूं प्रेस कर लो ताकि तुहानूं नोटिफिकेशन जिहड़े आ उह मिलदे रहिण। अच्छा भी दोस्तों फिर सुबह थोड़े नाल मुलाकात होएगी। बिल्कुल जी दोस्तों, जिदा कि मियाँ साहब ने फरमाया कि सुबह इंशाअल्लाह अज़ीज़ 21 फरवरी 2024 का सूरज तलू होने वाला है तो कल नूं सैयद पीर फैज़ मुहिद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह उन्हां दा उर्स मुबारक जिहड़ा है वह मनाया जाएगा, जिहदे विच मुल्क पाकिस्तान तो अलावा पूरी दुनिया तो मुख्तलिफ मुल्कां दे विचों दोस्त अहबाब जिहड़े होए शरीक होणगे। तो मियाँ साहब ने बड़ा डीपली तुहानू दस्या कि औलिया कराम के मज़ारा ते आउण दा मकसद की हुंदा, उर्स मुबारक मनाउण दा की मकसद हुंदा, ते उर्स दीआं जिहड़ीआं तकरीबां वा वो क्यों मनाईआं जांदीआं,
ते इस सारा प्रोग्राम जिहड़ा कल दा चलन वाला होएगा वह दोस्तों मैं दसदा जावां कि बा बरकत बा फैज़ फेसबुक पेज के उत्ते भी लाइव तुसी देख सकते हो ते बा बरकत बा फैज़ 732 यूट्यूब ते भी तुसी इहनू सर्च करके इहदे ते सारा प्रोग्राम लाइव देख सकते हो। कल दे दिन दे अंदर इत्थे की होण वाला है, कीड़ी-कीड़ियां तकरीबां होणगियां, वह सारिया चीज़ा तुसी अपने घरां दे अंदर बैठ के भी इहनू लाइव जिहड़ा तक सकते हो। तो प्रोग्राम का जिहड़ा टेस्ट ट्रांसमिशन चल रही थी जिदा कि मियां साहब ने दस्सिया उहनू असीं इख्तिताम की तरफ लैके जाने आ, ते आखिर ते इक साडे नाल दोस्त मौजूद ने वह एक शेर जिहड़े दो चार सुनाणगे ते उस तों बाद जिहड़ा प्रोग्राम का एंड हो जाएगा। जी यह दोस्त साडे नाल मौजूद ने, अगे आ जाओ। वाह वाह मीरा शाह शाहां दा सैयद दोही जहानी, गौसुल आजम पीर पीरां दा है महबूबे रबानी, नानक दादक वल्लों उच्चा सुच्चा हसबों नसबों, नबिया नारों घट ना रहा किसे सिफतों किसे वसबों, नबिया ताई आंदे वही सलाम सुनेहे वही महरम ना मेरे मीरा ताई, पेत दसे अजहे नाम निड़िनवे मेरे मीरा नू बख्शे, हुक्म ए फरमाया आजम इसम तू साडा नावा जिस पढ़िया फल पाया, आल नबी दी औलाद अली दी सीरत शक्ल इन्हां दी, आल नबी दी औलाद अली दी सीरत शक्ल इन्हां दी, नाम लिया लख पाप न रेंदे मैल अंदर दी जांदी। माशाल्लाह जी, दोस्त ने कलाम सुनाया तो ये ही अज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अज का यह प्रोग्राम तुहानू पसंद आया होगा। ये टेस्ट ट्रांसमिशन चलाई जा रही थी जिदा कि सजादा नशीन दरबारे आलिया कादरिया कोट शरीफ सैयद पीर इशफाक मुहिद्दीन शाह साहब, जिन्होंने बहुत ही लंबी तो डीपली गुफ्तगू तुहाडे नाल कीती है। तो अज का यह प्रोग्राम जिहड़ा इख्तिताम पज़ीर हुंदा है। तो कल नू इंशाल्लाह मिलांगे जिंदगी रही तो उर्स मुबारक की जिदा ही तकरीब का आगाज़ होएगा, खत्म शरीफ के आगाज़ तो लैके आखिरी खत्म शरीफ तक जिहड़ा असीं तुहाडे नाल जुड़े रहांगे। तो तुसीं साडे नाल जुड़े रहना है, प्रोग्राम नू शेयर भी करो, इनू लाइक करो तो इनू फॉलो करो ताकि जदों भी असीं नवीं वीडियो लाइव स्टार्ट करिए तो सब तो पहले तुहानू नोटिफिकेशन आ जाए तो तुसीं फौरी तौर के उन्हूं ओपन करके देख सको कि प्रोग्राम जिहड़ा वह कित्थे तक पहुँच गया है, हुण जिहड़ी किहड़ी तकरीब हो रही है। तो ये ही सानू दिओ इजाजत, मालक दे सपुरद पाकिस्तान जिंदाबाद।